दिस इज नितिन निगडे वर्किंग एज अ एचओडी एनिमेशन एंड वीएफएक्स एट आईटीएम आईडीएम डिजाइन एंड मीडिया स्कूल मुंबई. दिस इज अ टॉक रिलेटेड डिजाइन अवेयरनेस रिलेटेड विद द कमर्शियल फील्ड एंड स्टूडेंट्स हु आर willing to join this field as a career, as an option in upcoming design industry. I finished my graduation in 1990 from Sir J.J. School of Arts, Mumbai, and I passed Master of Fine Arts in 1993, specialized in academic portrait, and I did research in cartoon and caricature. 20-25 साल पहले ये सब एक होराइजन में दिखना शुरू हो गया था. तभी वर्किंग एज अ फाइन आर्टिस्ट मैंने खुद को कमर्शियल काम में ज्यादा डेवलप किया और अभी भी मैं अलग अलग फिल्मों के लिए एनिमेशन फिल्मों के लिए प्री प्रोडक्शन डिजाइनर करके काम कर रहा हूं एज वेल एज काफी सारे लीडिंग कॉलेजेस में इस विषय के अध्यापन के लिए एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी मैं कार्यरत हूं. इस चीज का ख्याल रखते हुए कि डिजाइन एस्थेटिक्स और मैं कहूंगा कि डिजाइन थिंकिंग ये सबसे महत्वपूर्ण मोड है. डिजाइन थिंकिंग की वजह से एक चीज आप समझ सकते हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्रिएट करना है, व्हाट आई वांट टू क्रिएट एग्जैक्टली. सिर्फ विषय के प्रति नहीं लेकिन उस विषय की जानकारी के साथ मुझे क्यों और क्या और कैसे डिजाइन को पेश करना है. सब स्टूडेंट जैसे कि देखेंगे तो एक अच्छा डिजाइन तो क्रिएट करते हैं लेकिन एक डिजाइन का सहेतु होना, पर्पस ऑफ डिजाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सौंदर्य शास्त्र के प्रति अवेयरनेस पूरी जनता को, पूरे सोसाइटी को, पूरे विद्यार्थियों के प्रति पहुंचाना ये सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है. While creating any types of designs, how it will travel through the technical process and how it will shape up, I can say, in a final product, final sellable product, that awareness limits has to be known by the students while working it from grassroots to the final product. Everywhere we are seeing a design in our routine and it's an integral part of our life. हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक करके उसे हम जब देखते हैं तो उस वक्त एक चीज का हमें ख्याल होना चाहिए कि डिजाइन एक ऐसी चीज हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है जिसे हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते. हर एक पायदान पे, हर एक कदम पे डिजाइन थिंकिंग और डिजाइन की एप्लीकेशन को संभाल के यूज करना ये हमारी कलाकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. व्हाइल थिंकिंग अबाउट स्कूल डेज आर ट्रेनिंग्स, डेफिनेटली एट बेसिक लेवल सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट ड्राइंग, डिजाइन प्रिंसिपल्स, then some today applications, calligraphic applications, good handwriting applications, locations, or we can say even memory drawings applications. These all things are combinations of this art principles. जहाँ पे हम काफी सारी चीजों को इकट्ठा करके इन चीजों को implement करते हैं. कुछ चीजों में हमें composition अच्छी तरीके से देखना पड़ता है, कुछ चीजों में finishing की जरूरत होनी चाहिए, कुछ चीजों को ओवरऑल पिक्चर को वैल्यू कैसे आप देते हैं उसकी जानकारी आपको व्यूअर तक पहुंचानी है. और इसके बाद जैसे कॉलेज की तरफ आप एज अ फाउंडेशन लेवल पे इन चीजों को और एडवांस लेवल पर लेवल तक लेके जाते हो उस वक्त इसी डिजाइन की अगली पायदान एक तकनीकी जानकारी के साथ आप पेश करते हो. विद्यार्थी दशा में इन चीजों का अध्ययन करना जिसके लिए जैसे कि 2D डिजाइन, 3D डिजाइन, देन कॉम्पोजिशन सेंस, कलर थियरी
एज वेल एज कंपोजिशन के काफी सारे नियम हैं, इन चीजों को स्केचिंग के साथ जोड़ा जाता है। स्केचिंग के साथ साथ निरीक्षण क्षमता बढ़ाना, यानी डेवलपिंग योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। प्रेजेंटिंग दिस थिंग्स इन अ गुड वे, इन अ गुड पोर्टफोलियो, दैट इज ऑल्सो अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय दिस इंस्टीट्यूट, विच विल बिकम डेफिनेटली हेल्पफुल टू स्टेप अप इन द इंडस्ट्री एट फर्स्ट लेवल इजिली। मीन्स हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो के जरिए हम स्टूडेंट्स को इमीडिएटली जॉब दे सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का कालावधि हम कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं आधा अधूरा ज्ञान लेके, आधा अधूरा डिजाइन का ज्ञान लेके मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूँ। इस फील्ड में आने के लिए एक तो प्रश्न चिन्ह मेरे सामने हमेशा होगा कि मेरा पोर्टफोलियो, मेरी इस कला का एप्लीकेशन कौन से डिजाइन सेक्टर्स में उपयुक्त हो सकता है। फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे आर्ट डायरेक्शन की अलग अलग शाखाएं हैं, एनिमेशन वीएफएक्स की शाखाएं हैं, विज्ञापन की शाखाएं हैं, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट फील्ड, म्यूजिक वीडियो के लिए आप काम कर सकते हो, प्री प्रोडक्शन डिजाइनिंग में आप स्टोरी बोर्डिंग, कंसेप्ट आर्ट, लेआउट, बैकग्राउंड्स, कैरेक्टर डिजाइनिंग अच्छी तरीके से पेश कर सकते हो, कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में भी आप काम कर सकते हो, मॉडलर करके आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, टाइटलिंग डिजाइनिंग के लिए काम कर सकते हो, गेम डिजाइनिंग के लिए भी आप काम कर सकते हो। इवन देयर आर वेरियस ऑप्शंस टू वर्क इन अ वॉक थ्रू वीडियोज, इवन फोटोग्राफिक स्किल्स ऑल्सो यू कैन डेवलप बाय लर्निंग दिस ऑल डिजाइन स्किल्स। Even you can work out in interior decorations as well as ceramics, pottery, printmaking, graphic, fine arts, even other applications of applied arts. ऐसी काफी सारी चीजों में आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हो। So please be ready with your drawing and creative skills and welcome to the creative industry. Thank you.